हमें जीवन में पर कार, अब कार बहुत बिजनेस में, कार आपकी यूनिट में किसी और बॉसिंग पर, तो और भी कार किसी पर कार ये है हमारी जरूरी कार, क्योंकि ये पर यूनिट लग रही है, इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये जो कॉस्ट हैं जो पर मंथ हैं इनका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है, ये हमारी कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इनका यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है। Yeah, can you guys hear me now? ओके ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो यार, आपके पास जो दो टाइप की कॉस्ट है इसमें, ये कॉस्ट क्योंकि पर कार है, ठीक है, और इसमें क्योंकि कार वॉश बिजनेस है, तो जो भी कॉस्ट हमें हर गाड़ी पे लग रही है, हर गाड़ी को वॉश करने पे लग रही है, वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, और ये कॉस्ट है पर मंथ, इसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सेम रहेगी महीने की, जितने भी आप कार वॉश कर लो, तो ये इसलिए हमारी फिक्स कॉस्ट होगी सारी, ठीक है। नाउ अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि यार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐड करके कितनी आ रही है, तो वो भी एक दफा ऐड कर दो, 1 and 0.5, वेरिएबल कॉस्ट पर कार इज 2.80, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट हमें पड़ती है 3840 की। नाउ बोथ कार वॉश बिजनेसेस आर ओपन फॉर 400 आवर्स एवरी मंथ, ठीक है, द कार्स आर वॉश्ड वन एट अ टाइम, द एवरेज टाइम टेकन टू वॉश ईच कार इज 10 मिनट्स। अच्छा, सिटी सेंटर कार वॉश इज करंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी एंड सबर्बन कार वॉश एट 70% कैपेसिटी। पहले पार्ट में हमें सारी कैलकुलेशन करनी है सिटी सेंटर कार वॉश की। तो यार मुझे एक चीज तुम लोग बताओ कि अगर 10 मिनट लगती हैं हमें एक कार को वॉश करने में, तो एक घंटे में, 1 आवर में कितनी गाड़ियां वॉश हो सकती हैं? इफ वी टेक 10 मिनट्स टू वॉश वन कार, एक घंटे में होती हैं 60 मिनट्स, और 10 मिनट एक गाड़ी में लग रहे हैं, तो इन 1 आवर वी कैन वॉश 6 कार्स, ठीक है। सो अगर हमें ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्स वॉश्ड पर मंथ, तो टोटल 400 आवर्स हम लोग मैक्सिमम काम करते हैं, 400 आवर्स के लिए हमारी शॉप खुली होती है, एक आवर में वी कैन वॉश 6 कार्स, सो ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2400 कार्स वॉश करने की। ये कैपेसिटी तब पूरी होगी जब हर वक्त मेरे पास एक के बाद एक गाड़ी हो, ठीक है, मैं 100% कैपेसिटी पे काम करूं तो मैं 2400 कार्स वॉश कर सकता हूं, ठीक है, दिस इज माय मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ यूनिट्स। लेकिन सिटी सेंटर कार वॉश जो है वो अभी करंटली ऑपरेट कर रहा है 80% कैपेसिटी पे, मतलब 2400 कार्स हम लोग मैक्सिमम वॉश कर सकते हैं, लेकिन हम उसका सिर्फ 80% एक्चुअली
उस पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो 2400 कार्स हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी था, अभी जो करंटली कार्स वॉश हो रही होंगी वो उसकी 80% हो रही होंगी। तो 2400 का 80% बनता है 1920 कार्स। सही है। अच्छा, इसके बाद हमें निकालनी है टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ। अब अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो बड़ा सिंपल है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करूंगा विद नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने कितनी निकाली थी यार? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाली थी 2.8। तो इस 2.80 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे विथ आर नंबर ऑफ यूनिट्स जो के हैं 1920। तो इससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 5376। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को भी? ओके। फिर मुझे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है पर मंथ। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट या टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने निकाली थी 5376 एक महीने की, और फिक्स कॉस्ट हमारी एक महीने की है, मैंने इन सारी फिक्स कॉस्ट को ऐड किया था 3840। इसको प्लीज ऐड करो, दिस इज 9216। ये हमारी महीने की टोटल कॉस्ट है। अब यार मुझे इसके बाद निकालनी है एवरेज कॉस्ट पर कार। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए मैं टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ कार्स से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक गाड़ी की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट है 9216 और जो मैं टोटल कार्स वॉश करता हूँ वो मैं करता हूँ 1920। ये मैंने 1920 निकाला था ना। सही है, टोटल कार्स वॉश हम करते हैं 1920। सो इससे एवरेज कॉस्ट आ रही है पर कार 4.80। इसके बाद ये कह रहा है द प्राइस टू बी चार्ज पर कार टू गिव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। अच्छा, मार्जिन में हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा नीचे समझा देता हूँ। जब मार्जिन का वर्ड यूज होता है, सही है, सो मार्जिन का मतलब होता है कि हमें सेल्स की परसेंटेज लेनी है 100 हमेशा, और ये जो परसेंटेज आगे गिवन है ये 20%, ये होती है हमारी प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमें गिवन है 20% कि भाई इतना प्रॉफिट होना चाहिए। काम की बात ये है, जब मार्जिन का वर्ड यूज हो तो आपने सेल की परसेंटेज हमेशा 100 लेनी है, ठीक है, और ये जो आगे परसेंटेज गिवन होती है ये हमेशा प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन होती है कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो यार अब अगर सेल 100% है और प्रॉफिट 20% बच रहा है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है जब सेल में से क्या माइनस होती है? कॉस्ट। सो 100% से अगर 20% बच रहा है तो इसका बेसिकली मतलब होगा कि मेरी कॉस्ट जो है वो 80% होगी।
ये मैंने कैलकुलेट किया है, वापस बता रहा हूँ, जब भी मार्जिन का वर्ड यूज होगा आप सेल्स की परसेंटेज हमेशा 100 लोगे, ये फिक्स बात है, ठीक है। और ये जो आगे परसेंटेज गिवन होती है ये प्रॉफिट की होती है, तो सेल मैंने 100% ली क्योंकि मार्जिन का वर्ड था, प्रॉफिट की परसेंटेज 20 गिवन थी, तो अगर सेल 100% है, प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट ने 80% ही होना है, ठीक है। तो अभी मुझसे सवाल पूछ रहा है, परसेंटेजेस मैंने निकाल ली हैं, सवाल ये पूछ रहा है कि मैं क्या प्राइस चार्ज करूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट मार्जिन हो। तो उसके लिए सिंपली नाउ व्हाट आई विल डू इज कि यार कॉस्ट मुझे पता थी, कॉस्ट मुझे पता है 80% है, और कॉस्ट हमारी निकली है पर कार 4.8 की, अभी निकाली है हमने, हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस, वो ले ली मैंने एक्स। सो इस डेटा से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं अपनी सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, जो कॉस्ट है वो 4.8 है और उसकी परसेंटेज 80 है, जो सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है वो अननोन है लेकिन उसकी परसेंटेज 100 है। तो ये हो जाएगा 100 / 80 इज इक्वल टू x/4.80। सो इसको प्लीज मल्टीप्लाई करो 100 को 4.8 से और फिर 80 से डिवाइड कर दो, तो आई थिंक इससे x आ जाना चाहिए हमारा $6। सो द प्राइस दैट वी नीड टू चार्ज, सही है, वो होगी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए $6। अब नेक्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है टोटल प्रॉफिट पर मंथ। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए मैं सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, ठीक है। सेल हमारी होगी सेलिंग प्राइस है 6, सेल होगी सेलिंग प्राइस है 6 और नंबर ऑफ कार्स है 1920, तो उससे सेल आ जाएगी, सेल आ रही है 11520। टोटल कॉस्ट एक गाड़ी पे वेरिएबल और फिक्स मिला के लगती है 4.8, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 1920 से, ये आ रही है 9216। सो इससे आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट, या 20% ऐड नहीं कर सकते थे, उससे आंसर अलग आ जाता। प्रॉफिट आ रहा है 2304। आपको मार्जिन इसी तरह करना पड़ेगा, भाई यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ओके आगे बढ़ते हैं। Use the price calculated in A part 1 till 5 above. Calculate the following for city center car wash. Correct to two decimal places. पहले हमें निकालना है contribution per car या contribution per unit. ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया हुआ है लेकिन मुझे अंदाजा था कि सबसे ये हुआ नहीं होगा, सही है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, और वैसे ही मुझे ब्रेक इवन रिवाइज कराना था, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू रिवाइज ब्रेक इवन। आप लोग मुझे बताएं कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर कार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस अभी हमने निकाली है $6 सिटी सेंटर की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाली थी मेरे ख्याल से 2.80 निकाली थी, हम फिर भी देख लेते हैं एक दफा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 2.80,
सो इससे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3.20। फिर मुझे निकालना है ब्रेक इवन इन पॉइंट्स। इसका आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला है इसका। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? फिक्स कॉस्ट है 3840। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 3.2। इससे आ जाएगा ब्रेक इवन। बारह सौ यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है। फिर हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स व्हेन ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। और क्योंकि मुझे डॉलर्स में निकालना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से। ये फॉर्मूला है। तो 80% कैपेसिटी पे, 80% कैपेसिटी पे मेरे टोटल यूनिट्स आ रहे थे 1920। ब्रेक इवन यूनिट्स हैं 1200 और सेलिंग प्राइस है 6। ये लग गया फॉर्मूला। तो इससे आ जाएगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स 4320। यार ये आ रहा है 4320। फिर हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी फॉल्स टू 60% कैपेसिटी। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं टोटल यूनिट्स एट 60% कैपेसिटी। तो हमारे पास मैक्सिमम यूनिट्स जो हम इसमें, हमारे जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो थी 2400। अब अगर हम 60% कैपेसिटी पे आते हैं तो हम लोग हो जाएंगे 2400 के 60% यूनिट्स पे। सो ये आ रहे हैं 1440 यूनिट्स। फिर मुझे निकालनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा सेम। तो अब इस दफा टोटल यूनिट्स होंगे 1440 जो भी हमने निकाले हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स तो सेम रहेंगे 1200 और इनटू सेलिंग प्राइस है 6। इत्तेफाक से इसका आंसर भी आ रहा है $1440। सही है, इट्स अ कोइंसिडेंस कि ये यूनिट्स और ये आंसर डॉलर में 1440 आ रहा है। फिर हमें निकालना है सी एस रेशो व्हेन ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी। सी एस रेशो का एक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था हमारा 3.20, सेलिंग प्राइस थी 6 इनटू 100। सी एस रेशो बन रहा है 53.33%। यहां तक कोई कंफ्यूजन है?
सर दो पार्ट रहते हैं, वो दो पार्ट्स कर लेते हैं, फिर तुम लोग कॉपी कर लो अगर तुम लोग को करना है। फिर लिखा हुआ है सबर्बन कार वॉश चार्जेस द सेम प्राइस एज सिटी सेंटर कार वॉश। ठीक है, सेम प्राइस का मतलब है कि इसकी भी सेलिंग प्राइस होगी $6। एट दैट प्राइस सबर्बन कार वॉश शोज अ सीएस रेशियो ऑफ 40%। ठीक है, एंड फिक्स कॉस्ट आर 3-4-0। कोई मसले की बात नहीं है। अब इससे ना डेटा निकालते हैं। सेलिंग प्राइस है 6, सीएस रेशियो 40% होने का मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस का 40%, सेलिंग प्राइस का 40% हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग साथ रखना। ब्रेक इवन निकालने से पहले मैं तुम लोगों को बाकी डेटा क्लियर कर रहा हूं। यार अगर सेलिंग प्राइस मेरी $6 है, ध्यान से सुनना, और सीएस रेशियो 40% है, इसका मतलब है कि मेरा कंट्रीब्यूशन अगर मुझे पर यूनिट निकालना है तो वो सिंपली मेरी सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट होगा, 40%, क्योंकि सीएस रेशियो का मतलब ये होता है कि सेल का कितना परसेंटेज आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 2.40, 40%। यहां तक आई होप तुम लोग क्लियर हो। अब एक और चीज, हम लोग जब सेलिंग प्राइस में से या फिर चलो इतना बहुत है, अब हमें निकालना है ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 3-4-0, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 2.4। इससे हमारा ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाएगा। फिर अगर हमें निकालना है ब्रेक इवन इन डॉलर्स, तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। सो 3-4-0 ओवर 2.4 इनटू 6। सो हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा 1350 यूनिट्स और सेल्स रेवेन्यू में ब्रेक इवन आएगा $8,100। फिर हमें टोटल मंथली प्रॉफिट निकालना है व्हेन ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। दोनों कार वॉश के की मैक्सिमम कैपेसिटी थी, जो मैक्सिमम कार वॉश हो सकती थी, वो थी 2400 कार्स। सो एट 70% कैपेसिटी ये लोग जो गाड़ियां वॉश कर रहे होंगे वो होंगी 2400 इंटू 70%। मुझे मंथली प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर सकता हूँ फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन हमारा एक यूनिट का है 2.4, यूनिट्स हैं 1680, सो उससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2.4 इंटू 1680, कंट्रीब्यूशन है 4032 और फिक्स कॉस्ट थी इस बिजनेस की 3-4-0। इससे आ जाएगा नेट प्रॉफिट।
792। ये हो गया सवाल, तुम लोग प्लीज उसको कॉपी कर लो जिसका नहीं हुआ। वह हाँ यार बिल्कुल थ्योरी आ सकती है, कॉन्सेप्चुअल सीज प्रोडक्शन पे थ्योरी आती है, ब्रेक इवन पे थ्योरी आती है, एंड डिसीजन मेकिंग पे थ्योरी आती है कि आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी होती है कि भाई ये इतना प्रॉफिट है या इतना लॉस है, इस पर क्या डिसीजन होना चाहिए। तेरी स्लाइड होगी?
यार मैं इसके बाद बस सीज प्रोडक्शन बताऊंगा। ये कॉपी हो गया। अच्छा यार, तो इस प्रोडक्ट में
प्लीज रिमेम्बर, सीरीज प्रोडक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव हो, माइनस में हो. अगर किसी भी प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस में है या नेगेटिव है तो हम उसकी प्रोडक्शन बंद करते हैं. ये ही कॉन्सेप्ट है, यही चीज आपको याद रखनी है. एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको. लेट्स से मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं और ये टोटल है तीनों का, ठीक है, जो कंपनी का डेटा आ रहा है. मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका 10,000, इसका है 15,000 और इसका है 5,000. इसमें से होगी फिक्स कॉस्ट माइनस, लेट्स से फिक्स कॉस्ट है 15,000, इसकी है 8,000, इसकी है 3,000, या लेट्स से 2,000 है. अब पहले वाले में 5,000 का लॉस आ रहा है, दूसरे में 7 का प्रॉफिट है, तीसरे में 3 का प्रॉफिट है. तो इस सिनेरियो में भी आपको ए का भले लॉस आ रहा है लेकिन ए की प्रोडक्शन को सीज नहीं करेंगे. तीनों प्रोडक्ट्स आप बनाओगे क्योंकि तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, ठीक है. प्रोडक्ट सीज नहीं होगा, प्रोडक्ट सीज तब होता है जब कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव हो, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस में हो. सो अगर अभी आप देखो, अभी हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 30, फिक्स कॉस्ट है 25 और हमारा प्रॉफिट है 5,000 फिलहाल टोटल कंपनी का. अगर आप ए बंद कर देते क्योंकि ए में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उससे ना आपका टोटल प्रॉफिट और गिर जाता. ए बंद करने से ए का कॉन्ट्रीब्यूशन चला जाएगा लेकिन फिक्स कॉस्ट अपनी जगह खड़ी रहेगी. तो जहां इस पे 5,000 का लॉस हो रहा था, अब 5,000 की जगह यहाँ पे 15,000 का लॉस हो जाएगा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, सही है. और उससे हमारा जो टोटल प्रॉफिट पहले 30 पे था, अब वो टोटल प्रॉफिट गिर के आ जाएगा. फिक्स कॉस्ट तो 25 ही रहेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया 20 और टोटल प्रॉफिट की जगह अब हम टोटल लॉस में आ जाएंगे 5,000 के. सो इसलिए बेसिकली एज लॉन्ग एज किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, आप उसकी प्रोडक्शन को बंद नहीं करते क्योंकि वो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट कवर कर रहा होता है, सही है. ये कॉन्सेप्ट है सीज प्रोडक्शन का, कि जब तक कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव नहीं है तब तक आप उसको बंद नहीं करोगे, ठीक है. जब तक कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव नहीं है तब तक आपने उसको बंद नहीं करना है. यार अगर टोटल में लॉस आ रहा है, मतलब वैसे ही बिजनेस लॉस कर रहा है जैसे अभी, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 था ना, और हमारे पास ये था 30, ये था 5, सही है. अगर टोटल में लॉस आ रहा हो, मतलब आप कह रहे हो कि सब कुछ चलाने के बाद कुछ ना बंद करके भी लॉस आ रहा हो, ये 5,000 की जगह प्रॉफिट की जगह लॉस आ रहा हो, तो वो पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है. लेकिन इस तरह का सवाल नहीं आता, सवाल सिर्फ ये आता है कि भाई तीन प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से बताओ कौन से की प्रोडक्शन सीज होनी चाहिए. तो उसका डिसीजन आप सिर्फ इस तरह लेते हो कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो बंद नहीं करो, कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है तो उसको बंद कर दो. इस पे सिर्फ थ्योरी आती है, पहले वो आपसे तीनों या चार प्रोडक्ट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकलवाता है, उसके बाद आपसे पूछता है कि इसको सीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तीन चार मार्क की थ्योरी आती है, वो भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है. गाइस दिस इज इट फॉर टुडे, यू गाइस हैव अ टेस्ट टुमारो, आई विश यू ऑल द बेस्ट.